उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे आज हवाई हो गए, जब जिला अस्पताल बांदा में पिछले 3 दिनों से भर्ती मरीज का एक्सरे कराने के लिए परिजन स्ट्रेचर में लिटाकर जिला अस्पताल से लगभग 700 मीटर दूर प्राइवेट गोमटी एक्सरे सेंटर में पहुंचे, जबकि जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए जाँच और एक्सरे की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। ऐसे में महंगी जाँचों और एक्सरे कमीशन के चक्कर में डॉक्टरों द्वारा अस्पताल की जगह बाहर से कराया जा रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य सुरक्षा के जहां सरकार और प्रशासन बड़े दावे कर रहा है, वहीं बांदा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संवेदनहीनता देखने को मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आज अखिलेश यादव जी के काम से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने हर समाज के लिए काम किया है तो समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया, चाहे वकील साथियों का चैम्बर वाले का मामला रहा हो, चाहे और तमाम किसी मदद की मामला रहा हो। आदि मुलायम सिंह यादव की सरकार, आदि अखिलेश यादव सरकार ने काम किया है। तमाम ऐसे विकास के काम से प्रभावित होकर साथी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा भी सीधा सीधा मानना है, जैसे हम सब परिश्रम करते, मेहनत करते, पूरी आस्था विश्वास ऊपर वाले ऊपर करते हैं, वहां से न्याय मिलेगा। उसी तरीके जब बेसहारा, कमजोर, जिसकी कोई नहीं सुनने वाला है, जब न्याय के लिए अदालत में आता, तो ये अधिवक्ता साथी अपनी वाणी से, अपनी योग्यता से उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इससे बड़ा पुण्य का कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। मैं अधिवक्ता साथियों का भरोसा यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो और चीजें छूट गई हैं आपकी मदद के लिए समाजवादी पार्टी सरकार के, मेरा अधिवक्ता साथियों से यही अपील, यही प्रार्थना है कि आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात पे भरोसा करते हैं। मेरा विश्वास है कि शायद हिंदुस्तान में आप ऐसे व्यक्ति हो जो मुवक्किल बिना पढ़े दस्तखत करता अंगूठा लगता है। इससे बड़ा विश्वास कोई दूसरा नहीं होता। कहता कि बाबू जी ने जो कागज दिया है उस पर हमने अंगूठा लगा दिया है। ये भरोसा बहुत कम लोगों को मिलता है। इसी भरोसे के साथ आगे बढ़िए और देश का सबसे नौजवान नेतृत्व अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाए के आपकी मदद की जरूरत है। हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।